मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी बज रहा है सुबह का 7 और झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ हो गया है। मैं नहा धोकर एकदम रेडी हूँ। और आज मैं इतनी जल्दी क्यों फ्री हो गई हूँ? क्योंकि आज है अक्षय तृतीया। तो आप लोगों को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, आज ईद भी है, तो ईद आप लोगों को तहे दिल से ईद मुबारक हो और ईद की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और हम लोगों के यहाँ अक्षय तृतीया का पूजन सुबह सुबह ही होता है, इसलिए मैं जल्दी तैयार हो गई हूँ, सारे काम से फ्री हो गई हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ, जो पूजन के लिए बनाते हैं, सीरा वगैरह बनता है हम लोगों के यहाँ, तो बस वही बना रही हूँ जाके, फिर उसके बाद मैं पूजा करूँगी। तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। तो पहले मैंने सोचा कि जो डेली पूजा करते हैं तो वो मंदिर में कर दें, उसके बाद में फिर जो अक्षय तृतीया की पूजा होनी है उसके लिए प्रसाद बनाऊं। तो मैंने यहाँ पर अंदर की तो मैं कर आई हूँ पूजा, भगवान वगैरह नहला दिए हैं, सब कुछ कर दिया है। और बस अब यहाँ पर तुलसा जी में अगरबत्ती लगा दी है और पूजा तो हो गई है। इसके बाद में अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर प्रसाद। और आज के दिन बनता है सीरा आटे का, और चीनी डाल के ही बना लो चाहे गुड़ डाल के बना लो। तो मैं चीनी डाल के ही बनाया था, आटे का सीरा ही चढ़ाया जाता है आज के दिन। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी डाला था 2 चम्मच सा, और आटा भून लिया है और आटा अच्छी तरीके से भून चुका है। तो इसको मैं निकाले ले रही हूँ और इसी कढ़ाई में डाल दूँगी पानी और उसी में डाल दूँगी चीनी, तो इसी में सीरा भी बन जाएगा। तो यहाँ पर पानी गर्म हो चुका था तो मैंने चीनी डाल दी है, और पानी थोड़ी ज़्यादा इसलिए डाला है पतला रखना है, सीरा तो सीरा ही होता है। तो बस आटा मैं पूरा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा आटा निकाल दिया है मैंने, और आटे को घोल के डालेंगे ताकि उसमें गुठली लम से एकदम से गर्म में डालूंगी कढ़ाई में तो गुठली सी पड़ जाएंगी, तो इसलिए मैंने पहले घोल लिया है उसके बाद में डाला है। और बस यहाँ पर मैंने डाल दिया है, अब ये थोड़ा सा चला दिया है, आटे मिला दिया है आटा को चीनी में, और बस अब ये सीरा बन के यानी कि पकता रहेगा उतनी देर में मैं मतलब आटा लगाए ले रही हूँ, क्योंकि रोटी भी साथ में यहाँ चढ़ाई जाती है, हमारे ससुराल में रीत है रोटी और सीरा तो ये चढ़ता है। तो जब तक वो पक रहा था तब तक मैंने आटा लगा लिया है। तो बस यहाँ पर ये पक चुका है, मैंने भूनते टाइम भी डाला था जब आटा भूना था, और अब डाल दिया है 2-3 चम्मच घी, और बस नारियल का थोड़ा सा बुरादा डाल दिया है कद्दूकस करके नारियल को। और यहाँ पर सीरा तो बन चुका है, तो फटाफट मैं रोटी भी सेंके ले रही हूँ और फिर उसके बाद में प्रसाद तो मेरा बना जा रहा है। और यहाँ पर प्रसाद बन चुका है, तो धागा हल्दी चावल ये सब मैं लगा लिया है, और मैं जा रही हूँ पूजा के लिए। और यहाँ पर ये बता रहे थे कि जो मटके का गला है उस गले में लगा दो हल्दी, और फिर मैंने बना दिया है स्वातिक। और जो धागा होता है उसको हल्दी से रंग कर उसमें बांधते हैं उसके गले में मटकी के, तो मैंने हल्दी से इसे रंग दिया है और ये इसमें बांधे दे रहे हैं गले में धागे को। और अक्षय तृतीया में तो मेरे मायके में भी मटके को भरते हैं, पर वहाँ पर ये सीरा और रोटी नहीं चढ़ाते, वहाँ पर चने की दाल और गुड़ और घी से पूजा करते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया है मटके के ऊपर, जो मिट्टी की प्लेट टाइप की आती है उसी में रखी जाती है रोटी और सीरा। तो पूजा तो हमारी हो चुकी है और अब बनाई है मैंने चाय। सुबह की चाय पी लीजिएगा, और आज की चाय बहुत लेट हो गई है क्योंकि मतलब पूजा वगैरह का खाना बना, फिर पूजा हुई, उसके बाद में तो चाय लेट हो गई है, तो मुझे भी बहुत जल्दी पड़ी है चाय पीने की क्योंकि आज देर हो गई है, बस सुबह से चाय बनती थी। और यहाँ पर हमारा खाना हो गया है तैयार, सीरा रोटी और आलू की सब्जी बनाई थी मैंने, तो बस आ जाइएगा खा लीजिएगा। और खाना पीना होने के बाद में फिर काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि पॉलीथीन के फूल कैसे बनाए थे, तो आज मैंने पूरा बताया है।
उस दिन मैं सिर्फ दिखाया था, बता नहीं पाई थी, तो आज मैंने पूरा बताया है कि किस तरीके से बनाया है फूल। और यहाँ पर मैंने पॉलीथीन ली है, उसका पीछे का थोड़ा सा भाग काट दिया है और आगे के जो जहाँ से पकड़ते हैं अपन पॉलीथीन को वो काट दिए हैं। तो अब ये पूरी प्लेन हो गई है और अब इसको मोड़ लेंगे। और मोड़ने के बाद में इसके मैं तीन भाग कर लूँगी, तीन पीसेस हो जाएंगे क्योंकि मैं छोटे फूल बनाऊँगी। और अगर बड़े फूल बनाना है तो दो पीस भी इसके कर सकते हैं, तो मैंने इसके तीन पीस किए थे और इसको मोड़ लिया है। अब इसको मैंने 6-6 सेंटीमीटर के इसमें मार्कर से टिक लगा दिए हैं 6 सेंटीमीटर के, तो बस टिक्स के अनुसार से सीधे कट जाएंगे, वैसे थोड़ी टेढ़े मेढ़े होते, और नाप के कटेंगे 6-6 सेंटीमीटर के। और बड़े बनाना है तो 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर किसी भी तरीके से काट सकते हैं, पर काटें एक ही साइज के। और यहाँ पर मैंने तीनों पीसेस काट लिए हैं 6-6 सेंटीमीटर के, और ये थोड़ी इसमें निकल रहा था, एक्स्ट्रा था, तो वो मैं काट के निकाले दे रही हूँ। वो 6 सेंटीमीटर से थोड़ी ज़्यादा था, इसलिए चार पीसेस तो बनेंगे नहीं, तो हटा दिया फिर मैंने। और अब ये पूरी खोल ली है, इसको फिर बीच से काट देंगे तो एक लंबी लंबी पट्टी सी बन जाएगी पॉलीथीन की। और अब इसमें लकड़ी के सहारे से जैसे सिलाई करते हैं अपन हाथ से, सिलाई करते हैं हाथ से उसी तरीके से इसको मतलब पिरोते जाना है लकड़ी को, और इसी तरीके से पूरी लास्ट तक जो पट्टी है पन्नी की लास्ट तक उसमें लकड़ी को पिरोते जाना है। और यहाँ पर पूरी पन्नी लकड़ी में पिरोई जा चुकी है, तो उसको एक जगह इकट्ठा करके उल्टे साइड से और इसको इस तरीके से घुमाते जाएंगे, तो इसमें फूल की पत्तियों का आकार आता जाएगा इसी तरीके से इसको घुमाते जाएंगे। और फूल खुले ना इसलिए मैंने इसको पीछे धागे से बांध दिया है, और अब ये खुलेगा नहीं। वैसे इसकी जो जितनी भी कलियां हैं वो खुल सकती थीं, तो बांधने से इसमें कसाव ही आ गया है। और इसमें थोड़ा छोटा बड़ा है तो उसको मैंने पूरी पत्तियां हैं जो उसकी पूरी कलियां उनको मिलाकर कैंची के सहारे से काट दिया है। और अब ये फूल हो चुका है बनकर एकदम तैयार, और ये देखिएगा लग रहा है ना एकदम पिंक कलर का रोज। और कुछ उस दिन मैंने जो बनाए थे वाइट कलर की पन्नी से, वाइट कलर की और ग्रीन कलर की, तो वो फूल भी रखे हैं, और कुछ मैंने आज बना लिए, तो आज ये ढेर सारे मेरे फूल हो गए हैं इकट्ठे रंग बिरंगे, वाइट है, ग्रीन है और पिंक कलर का है, बहुत सुंदर लग रहे थे। और ये मैंने लगा कर रख दिए हैं। फ्रेंड्स अब हो चुकी है शाम, और अभी मैं संध्या वत्तीनी की जा रही थी करने, मैंने कहा पहले वीडियो को एंड कर दूं, और चाय वगैरह तो हो चुकी है, और जो फ्लावर बनाए थे मैंने पॉलीथीन की वो बनाते बनाते फिर मैं थोड़ा देर आराम करने के लिए लेट गई थी, और फिर आराम करके उठ के देखा तो शाम हो चुकी थी, तो फिर चाय वगैरह बनाने में लग गए। और आज दीदी भी चली गई हैं तो बहुत बेकार लग रहा है, क्योंकि उनका अर्जेंटली स्कूल का कोई काम था, तो 15 तारीख लास्ट डेट है तो इसलिए वो चली गई हैं। वैसे रुकती क्योंकि माहौल इतना अभी नहीं सही है, COVID-19 वाला चल रहा है, लेकिन काम था तो चली गई हैं, तो बहुत बेकार लग रहा है आज। वैसे दिन का पता भी नहीं चलता था कितनी जल्दी निकल जाता था, आज दिन बहुत बड़ा हो गया था,
और आंगन में जैसे ही मैं निकलती थी कमरे से बाहर तो दीदी मिलती थी और गोलू खेलता रहता था। पर आज कमरे से जितने बार बाहर को निकल रही तो बहुत गंदा लग रहा है, अजीब लग रहा है। और चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को यहीं एंड, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।